इसमें मान लो कि मैं हूँ, और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया सर। मैं हमेशा मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन कल तो थोड़ा अलग ही फीलिंग आ रही थी मेरे को, एकदम हाथ वगैरह टाइट, एनर्जी फुल वगैरह। मैंने हस्बैंड को, हमने दोनों ने किया सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आज हम और अच्छा मेडिटेशन करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी जी। बोलिए माधुरी, सिर्फ ये माधुरी कामले थी, दूसरा माधुरी जी। हाँ सर, मैं मुझे कल का पूछना था आपको कि कल आप यूट्यूब पे अचानक स्क्रॉल करते करते बार बार आपका वीडियो आ रहा था, तो ऐसे स्कूल में बैठे बैठे खोली, शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। तो मैं आपका दिए वाला उपाय कर रही हूँ, भी कुछ ही दिन हुआ है, बीच बीच में गैप हो जाता है। एक चीज बहुत बहुत ही अलग हो रही है आज तक की लाइफ में। मैं शुरू से पूजा पाठ कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिए में, मतलब जैसे कभी कभी यूट्यूब में सुनने को आता है फूल बन रहे हैं, या कुछ हार्ट शेप, या आधा चंद्रमा, या डमरू, लेकिन मेरा सिर्फ 2 दिन दिया हुआ होगा कि मतलब कुछ ऐसा सिंबल नहीं बना, नहीं तो कंटिन्यू मेरे दिए में 2 दिन से तो कंटिन्यू डमरू बन रहा है, और मतलब रोज कुछ ना कुछ उसमें बनता ही है। ऐसा दिया कभी नहीं होता है कि कुछ उसमें ना दिखाई दे, कभी चांद, कभी हार्ट शेप, रोज बनता है। चलिए बहुत बढ़िया, उसमें मतलब आकृति बन जा रही है, आप ये कहना चाह रहे जी हैं। जी जी बिल्कुल। और बहुत शुरू बढ़िया, में गुरुदेव सिर्फ आधा घंटा जलता था मेरा दिया, धीरे से 45 मिनट हुआ, अभी 2 घंटे कंटिन्यू जल रहा है। तेल उतना ही, घी उतना ही, सब कुछ जी वही। जी जी बिल्कुल सेम उतना ही। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मुझे आपका मनी मैग्नेट का क्लास ज्वाइन करना है, लेकिन अभी रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे पास। अभी मनी मैग्नेट की क्लास में ना पूरी हम अप्रैल में स्टार्ट करेंगे। वो ओके जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, अप्रैल में स्टार्ट होगी वो बैच। ठीक है, चलिए थैंक यू। बोलिए सुषमा जी। ओम नमः शिवाय सर नमः जी। शिवाय। मैं आपके साथ से पिछले 1.5-2 महीने से जुड़ी हुई हूँ, जैसे 1 जनवरी से, और फिर मैंने मनी मैग्नेट की क्लास भी की थी, तब से मैं ये साउथ ईस्ट का दिया जगा रही थी। सब बोलते थे, लेकिन मुझे आप पर बहुत विश्वास था, अभी भी है, कि मेरा भी कुछ होगा, मैं भी फीडबैक दूंगी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। कई बार बीच में सबर भी टूट जाता था, मैंने आपको कई बार पूछा भी तो, लेकिन मेरा कल जो दिया आपने बताया था, जो मैंने पर्सनली आपसे पूछा था, दिया पूछा था, जहाँ पे आपने बोला था जलाने के लिए, तो वहां से मेरा सिर्फ 4 घंटे जलता था। डेली मैं ही जलाती हूँ, उतना ही तेल है, वही दिया है, सब कुछ सेम है, लेकिन कल पूरे सवेरे तक जला, कम से कम 12-13 घंटे जला। और बकायदा मैंने अपने वहां पे धूप आ गई थी घर पे, और ओके फोटो भी खींचा है कि आपको दिखाने के लिए कि मैं सच बोल रही हूँ, दिया और धूप साथ में था, सवेरे 9 बजे तक जला। हाँ, ओके, चलो बढ़िया है, अब हो गया, आपका भाग्य हो मैं गया। बहुत खुश हूँ, मेरे को मतलब बहुत मिराकल लग रहा है कि हाँ, शायद मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो रहा है। अब प्रारंभ हो गया आपका भाग्य, जो होता है ना भाग्य का उदय, उजाला कहते हैं ना, अंधेरे में प्रकाश होना, तो वो हल्का सा प्रकाश भगवान शिव ने आपके जीवन में डाला है। बेफिक्र रहिए, सारी समस्याएं धीरे धीरे जल के भस्म हो जाएंगी। हाँ, और जो मतलब ये भी कंफर्म करना था कि जहां पे आपने बोला था वही दिया था, तो क्या उसकी नेगेटिविटी अब खत्म हो रही है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जब घर में कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती, अब खुद देख लो, जब आप जला रहे थे तो 2 घंटे जल रहा था, नेगेटिविटी खत्म हाँ, हो कम 12 जल रहा घंटे था। जल गया भाई। हाँ, टाइम लगा, लेकिन हो गया। डेढ़ नेगेटिविटी दो महीने भले में 1 महीने, 3 महीने लगे हो, चलो हम 4 महीने मान लेते हैं, चार हाँ, महीने ले लेते हैं, आप तो 1 जनवरी कह रहे हो, मैं 4 महीने मान लेता हूँ। उसके बाद जो दिया 2 घंटे जलता था, आज 12 घंटे जल रहा है, तो हाँ, एनर्जी सवेरे धूप पॉजिटिव धूप हुई आ गई ना। थी, मैंने फोटो खींचा आपको दिखाने के लिए, अपनी क्लास होगी रिस्ट वॉच की, मैं बकायदा उसमें फोटो भेजूंगी कि धूप और दिया साथ है। चलो बढ़िया बढ़िया, अब बस बस हो गया, भाग्योदय प्रारंभ है, आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो गई, बेफिक्र रहिए। ठीक ठीक है, है, अब धन्यवाद सर संतुष्टि, जी, बहुत अब संतुष्टि मिली, नहीं तो हमेशा कहते थे सर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। मिली, और भी अच्छा, और अच्छा भी देना मैंने फीडबैक, और ये तो दूंगी, मैं अभी जरूर दूंगी स्टार्ट जरूर। है, ये तो बस दिए वाला स्टार्ट है, अभी आप 3 महीने के बाद देखना, फिर चमत्कार बताओगे अपने जीवन में। हाँ, मैंने फीडबैक देना है, और वो इतना ही खुश होकर देना है आपको, चलिए चलिए, बहुत बस बहुत आप पे बहुत विश्वास ऐसे ही बनाए रखे भगवान, और आप बिल्कुल मेरे बिल्कुल पे आशीर्वाद रखो बस। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी के साथ हाँ है, जी आपके साथ भी, जरूर, सभी के साथ है जी। सरला जी बोलिए, नमः शिवाय नमः शिवाय। नमस्कार।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। उमेश जी बोलिए। नमस्कार सर जी, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभी हम दिया जला, नमः मैं शिवाय। आपसे 1.5 महीने से जुड़ी हूँ और मैं डेली आपकी वीडियोस देखती हूँ, तो मेरे बच्चे भी आपको अभी फॉलो कर रहे हैं देखते देखते। वो स्कूल में भी किसी को अगर हेडेक वगैरह हुआ तो बोलते कि स्वर चेंज करो, और बच्चे अपने आप को इसकी कपूर की रेमेडी भी करते हैं, और मैं दिया भी रोज जला रही हूँ अभी, तो उसे बहुत पॉजिटिव ऐसे लग रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं पहली बार बात कर रही हूँ, और मैंने भी मतलब अभी शुरुआत की है, कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन मैं दिया वाला करती हूँ और मैं अपनी शॉप है मेरी तो वहां पे जाती हूँ, थोड़ा सा मुझे प्रोग्रेस मतलब अच्छा लगता है, बस यही है, बस कुछ समझ में नहीं आता इसलिए आगे कुछ और सीखना था, बहुत कोई अच्छा दिक्कत लगता नहीं, है आपका वो क्लास को कंटिन्यू करिए। बिल्कुल। आप ये मतलब मुझे एक विश्वास इतना अच्छा हो गया है कि टाइम नहीं मिलता फिर भी मैं सुनती हूँ किसी तरह, बस ऐसे नहीं सुन पाती हूँ तो यूट्यूब का देख लेती हूँ, बस चलिए थोड़ा चलिए, समझ आप के बाहर है। थैंक जी बिल्कुल। यू, नमस्ते। नमः शिवाय। अनु जी बोलिए, नवीन जी बोलिए, फिर बस ओम लास्ट। नमः शिवाय सर जी। नमः शिवाय। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो गेट पे टाइम दिया चला, इसके लिए मुझे भी बोलना था कि सर मैं कल आपने जहाँ बोला कि मैं कॉपर का दिया लेके आई, मैं स्टार्ट किया, मैंने आज लास्ट ट्यूसडे से स्टार्ट किया है। और सर वो दिया है ना, कल रात को मैं बाहर से 2:30 बजे आई सर, मैं बाहर गई थी तो 3 बजे मैंने नहा के दिया चलाया, आज शाम को 4 बजे तक जला सर। सर मेरे यहाँ, मैं समंदर के पास रहती हूँ और बहुत हवा चलती है, मेरे बहुत बड़े बड़े विंडोज हैं तो इतनी हवा चलती है, मैंने वीडियो भी बनाया सर, दिया वैसे ही था। ये मुझे पता नहीं कि क्यों, क्या चमत्कार है, आई डोंट नो सर, बट वो है ना, वो वीडियो में चाहिए तो शेयर करूंगी आपको ग्रुप में। हवा चल रही है सर, लिटरली मेरे पर्दे उड़ रहे हैं, लेकिन वो दिया मैंने साउथ ईस्ट में लगाया हुआ, वो दिया 4:30 बजे बुझा है सर, वो शांत हुआ है साढ़े ओके चार बजे और मेरे रात को 3:30 बजे, अराउंड 3:45 बजे, टाइम प्रॉपर याद नहीं है, मैंने लगाया। और उसके, ये तो कल की बात है सर, इसलिए मुझे, मैं कभी हैंड अप नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे, मैं सुनती हूँ सबको, लेकिन आज मुझे रहा नहीं गया, मैंने सामने से आपको ये किया। और दूसरी बात ये है कि सर मेरे हस्बैंड को कंस्ट्रक्शन का काम है, उनको बहुत दिनों से कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला था, मैं कुछ ना कुछ ट्राई कर रही थी, बट एक चर्च का काम था, उन्होंने ये दिया था, कोटेशन दिया था, तो फाइनल नहीं हुआ था वहां से। लेकिन सामने से फोन आया सर, जिस दिन ट्यूसडे को मैंने लगाया और सामने से फोन आया कि आप आके कल चेक लेके जाइए, कोटेशन एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं ही बना दूँ कोटेशन। तो मुझे कुछ तो कनेक्शन लगा, मैंने बोला ये अपने विकास सर का ही मुझे लग रहा है ऐसा कुछ है, तो ये मुझे इसलिए आपको मैं भी पर्सनली शेयर कर दूँ आपको, इसलिए थैंक यू सो मच सर, मुझे लगता है ये कुछ है कनेक्शन, या आप में कोई दिव्य शक्ति है जो आप कनेक्ट हुए लोगों से, चलिए, मे भी हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सर मुझे ये पूछना था कि जो शिवरात्रि की जो संध्या कर रहा हूँ 15-20 दिन से ज्यादा से मैं कर रही हूँ, टाइम इंक्रीज हुआ है। एक चीज आपसे पूछनी थी कि जब हम शगुन में जलाते हैं 11 टाइम हम उस चीज को रिपीट करेंगे, हाँ, ये 11 टाइम आपने मनोकामना को बोलना है। बिल्कुल, मतलब सांस रोक के 11 टाइम ही बोल, तो अब ये एक एक बार में दिक्कत कोई नहीं बोल पाएगा तो सांस को बाहर निकाल दीजिए, फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी ये कहना चाहूंगी कि जब मैं एक बार बोलती थी तो टाइम बहुत कम था, और जब 11 बार इंक्रीज किया बोलना तो वो टाइम भी इंक्रीज हुआ, पॉजिटिविटी भी इंक्रीज हुई, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक चलिए, बहुत बहुत यू, शुक्रिया। थैंक यू एंड बहुत आई बहुत। होप समथिंग डेफिनेटली कम थ्रू। और एक और चीज पूछनी थी, अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही चीज करते रहें, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। अरे आई एम बिटवीन जॉब। नहीं, स्वर विज्ञान का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, चाहे नया व्यापार हो, जिस भी है, तो हम स्वर विज्ञान में स्वर का प्रयोग करके हम कोई भी नया काम शुभ कर सकते हैं। हम स्वर, अगर किसी व्यक्ति का बता देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति स्वर को पकड़ लेता है तो उसके लिए तिथि मायने नहीं रखती, उसके लिए दिन मायने नहीं रखता, उसके लिए शुभ घड़ी मुहूर्त मायने नहीं रखता। कई लोग बोलते ना, सूर्य काल है, राहु काल है,
ये दिन अच्छा नहीं है, ये दिन मेरे लिए लकी नहीं है, ये दिन मेरे लिए अनलकी है। भगवान शिव ने, परमात्मा ने अगर ये दिन बनाए हैं तो कुछ सोच के ही बनाए होंगे। अगर हम डेली, अच्छा मेरे लिए दिन अच्छा नहीं तो उस दिन मुझे मर जाना चाहिए और दूसरे दिन जिंदा हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये दिन मेरा अच्छा नहीं है, या तो मैं घर में ही बैठे रहूं बीमार पड़ जाऊं। जो दिन अच्छा नहीं है उस दिन में मैं घर में पड़े रहूं बीमार हो गए, और उसके बाद मैं अच्छे दिन काम करूं। तो ये सब अपनी अपनी चीजें बनाई हुई हैं। जो व्यक्ति स्वर का प्रयोग करता है ना, उसके लिए दिन, सब दिन अच्छा होता है। हम रोज सांस लेते हैं, हर दिन नया सूर्य उदय होता है, तिथि बदलती है, घड़ी बदलती है। हमें, आपको क्या लगता है कि एक छोटा बच्चा 1 महीने का है तो धीरे 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 वो 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है, उसके बाद फिर 18 साल का जवान हो जाता है, तो वो तो बदल रहा है ना। तो वैसे ही मतलब प्रकृति का नियम ही है बदलना। प्रकृति जिस दिन स्थिर हो जाएगी, प्रकृति कभी कहती है क्या आज का दिन अच्छा नहीं है, मैं फल को नहीं, मैं फूल पुष्प को नहीं, वो सिर्फ कलियां बनी रहेंगी। आज का दिन अच्छा नहीं है, आज राहु काल चल रहा है, तो मैं कली को कली रहने दूंगी, मैं उसको फूल नहीं बनाऊंगी। प्रकृति कहती है क्या अभी? कभी नहीं कहती। जल ठहर जाता है क्या? नहीं, अभी राहु काल चल रहा है, नदी जो है वो रुक जाती है, राहु काल चल रहा है, हमें बहना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रकृति का नियम है, वो स्वर के, वो परमात्मा का दिया हुआ है। तो सब दिन अच्छे होते हैं। जो काम करना है आप लोगों को, कोई भी नया काम करना है, बस स्वर का ध्यान रखें। अगर आपने स्वर को पकड़ लिया तो आपका वह काम बहुत अच्छा होगा। और कई लोग मेरी वीडियो देखेंगे यूट्यूब में तो ना कमेंट पास करेंगे, जो एस्ट्रोलॉजर होंगे या न्यूरोलॉजी वाले होंगे, ये अज्ञानता फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं। मैं एक ही चीज उन लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूँ और आप लोगों से भी कहता हूँ, मैंने अभी तक ऐसा कोई उपाय नहीं बताया है आप लोगों को। अगर 100 रुपए से ऊपर का उपाय बताया होगा तो बता देना। दिया सब जलाते हैं अपने घर में और श्रद्धा से जलाते हैं, जलाने का तरीका बता दिया, घी उतना ही लगेगा, तेल उतना ही लगेगा, परंतु उसकी एनर्जी कई गुना हमने बढ़ा ली स्वर के माध्यम से। अब मैं खर्चे वाले उपाय बताना चाहूंगा तो सोचो क्या रिजल्ट मिलेंगे, जब मैं तो अभी फ्री वाले बता रहा हूँ, जिसमें बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा आए, तो ये वाले उपाय बता रहा हूँ। और मैंने अगर खर्च वाले उपाय बता दिए तो फिर तो जीवन में क्या क्या हो जाएगा, फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो चलिए अभी ठीक है, एक बस एक पर्सन को और लूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रूपा जी बोलिए आप, सॉरी रूप लक्ष्मी जी बोलिए आप, फिर उसके बाद हम नमः आराम देंगे। शिवाय सर। जी सर बस मैं नमस्ते। यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने आपको जनवरी में ज्वाइन किया था और उस तब से मैं दिया जला रही हूँ। लोग रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, मेरा भी मन करता है बट हो नहीं पा रहा है था, बट इट्स ओके। बट अभी ये हो रहा है कि मेरा दिया पहले स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो 40 मिनट जल रहा था और अब मेरा दिया 3.5 घंटे चल जाता है, जल रहा है मिलेगा मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, बेफिक्र रहिए। परमात्मा बिल्कुल देर बिल्कुल। देर बोलते ना, देर आए दुरुस्त आए, तो वैसे ही परमात्मा देगा। और जब देगा ना तो फिर इतना दे देगा कि 4 महीने का कोटा एक ही बार में फूल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बोलिए हर्षवर्धन जी, बोलिए आप, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। नमः नमस्ते शिवाय सर। सर मैं शिवाय। सीमा सिंह, हाँ आप वो बोलिए। बेटे का मोबाइल है के हाँ हाँ बोलिए बोलिए। लिए। हाँ सर, मैंने आपका ये वीडियो जो है वो मैं शेयर हमेशा करती हूँ, तो मेरी मम्मी आपके वीडियो को देख देख के वो घी का और वो अपना जो आपने दालचीनी का वो करते हैं, तो अभी मम्मी के पास से फोन आता है तो वो कहती है कि सीमा बहुत पॉजिटिव आता है और पापा का कुछ पैसा गवर्नमेंट में थे रुका हुआ था वो अभी आने लगा, उसका भी रास्ता बन गया है और बहुत दिल से धन्यवाद क्योंकि मम्मी पापा बहुत खुश है, तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमः शिवाय, और नमः शिवाय, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, बहुत 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 पॉजिटिव, शुक्रिया। बहुत पॉजिटिविटी आई है आपके इससे, और सर चलिए ऐसे ही जुड़े रहिए और हम लोग आभारी हैं हम लोग कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, समाज का कल्याण कर रहे हैं और साथ में हम सबको एक नई वो नया ज्ञान नहीं होता है जो छुपा हुआ था वो दे रहे हैं। हेलो हेलो जी, बोलिए हेलो बोलिए। सर जी, भैया मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे दिया का क्या कोई फाइनली काफी अच्छा लगा, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे फीडबैक दिए। अब स्टार्ट करते हैं महाशिवरात्रि का महा उपाय। कल जैसा आप लोगों को बताया था, तो आज दूसरा हम पहलू लेंगे। आज हम जो उपाय करने वाले हैं, यह उपाय फिर से एक बार बता देता हूँ।
इस उपाय को आपने कल से प्रारंभ करना है और आने वाली शिवरात्रि तक करना है, पूरे साल भर, मतलब 365 दिन। अगर कभी छूट जाए तो कोई बात नहीं, परंतु कोशिश यही करना कि कल से प्रारंभ करेंगे तो आने वाली शिवरात्रि तक करें। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो एक दिन में ठीक नहीं होता, राइट? कोई व्यक्ति अगर बीमार हो गया तो एक दिन में ठीक नहीं होता है। किसी व्यक्ति को घर बनाना है तो एक दिन में नहीं बनता है। तो कोई भी काम जब हम करते हैं, एक किसान जब खेत को बीज डालता है तो उसमें भी 3 महीने 4 महीने उसको लगते हैं। आप एक बीज जमीन में डालते हैं तो उस पौधे को भी बड़े होने में, समय होने में, फल देने में समय लगता है। तो ऐसा नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा कर्ज है और वो छोटा सा एक दिन का उपाय करेगा, उसका कर्ज खत्म हो जाएगा, रास्ते खुल जाते हैं। तो आज जो मैं बताने वाला हूं आपको, एक भगवान शिव का बहुत बड़ा, रावण द्वारा रचित, जो रावण संहिता में वर्णन किया हुआ है, वो बीज मंत्र दूंगा, वो आखिरी में दूंगा, लास्ट में बीज मंत्र दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी दे दूंगा तो मतलब की चीजें मिलेंगी, सब गायब हो जाएंगे, मैंने पहले ही बोला। तो आखिरी में दूंगा उस बीज मंत्र को, करना कैसे है। उस बीज मंत्र के लिए बहुत सरल सिंपल उपाय है। उस बीज मंत्र को आपको कहीं भी कभी भी बोल सकते हैं। उसके लिए आपको आसन लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको अगरबत्ती धूप बत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जो नियम कानून करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान शिव को कहते हैं ना, जहां आप परमात्मा शिव जी की पूजा प्रारंभ कर देंगे तो शिव आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। शिव सर्वोपरि है। जैसे हमारे जो ऋषि मुनि कहते हैं ना, कण कण में राम, तो हर जगह राम है, वैसे ही हर जगह शिव जो है वो बैठे हुए हैं, पर्याप्त है। तो उसके लिए आपको उस मंत्र जो दूंगा, उस मंत्र को आपने करना है। कैसे करना है वो पूरा विधि आपको मैं आखिरी में बताऊंगा, कि और मंत्र क्या है वो भी मैं आखिरी में दूंगा। तो अभी उपाय नहीं बोल सकते, बस भगवान शिव से प्रार्थना बोल सकते हैं। भगवान शिव से आपको एक प्रार्थना करनी है, और वो प्रार्थना जो होगी वो आप करेंगे, रोज करेंगे, निरंतर करते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चीजें व्यवस्थित होने लगेंगी, चीजें व्यवस्थित होने लगेंगी, और धीरे 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 आपके जो दुख है, तकलीफ है, व्याधि है, कष्ट है, वो सब कुछ खत्म होने लगेगा। यह जो प्रयोग है, यह प्रयोग से क्या फायदा होगा? क्योंकि आज के समय में लोगों को सबसे पहले यही पता होता है, उपाय करेंगे, फायदा बताओ। हम सब स्वार्थी हैं, मैं भी स्वार्थी हूँ, आप भी स्वार्थी हो, सब स्वार्थी है। मंदिर जाते हैं तो कोई ना कोई स्वार्थ लेके जाते हैं। अगर किसी गरीब को हम दान भी दे रहे हैं तो उसमें भी हमारा स्वार्थ छुपा होता है। सब स्वार्थी है इस दुनिया में, मैं भी हूं, मैं भी कोई उसमें से छूटा नहीं हूं, मैं भी स्वार्थी हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो यह फायदा क्या होगा? अगर किसी व्यक्ति का कर्ज बढ़ रहा है, इस उपाय को वो करेगा तो उसका कर्ज में उसको बहुत हद तक फायदा मिलेगा। कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है, उसको उसमें फायदा मिलेगा। किसी व्यक्ति के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, फायदा मिलेगा। किसी व्यक्ति का व्यापार में दिक्कत आ रही है, फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के उसमें आपका इंटेंशन क्या है वो देखना है, आपको फायदा मिलेगा, ठीक है? अब सभी के घर में भगवान शिव का शिवलिंग तो होगा ही होगा, सभी के घर में होगा। अगर नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब बोलेंगे कि सर हमारे यहाँ तो नहीं है, हम क्या करें? कोई बात नहीं, मानसिक पूजा कर लेना, मैंने कल सिखाया था मानसिक पूजा कैसे करना है। अब जैसे कई लोग होंगे कि सर हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, तो ठीक है मत करो, मानसिक पूजा कर लो, क्या दिक्कत है? उसमें तो किसी के पैसे भी नहीं लगेंगे, उसमें तो आपका 1 रुपए का भी खर्च नहीं होगा। तो 10 मिनट मानसिक पूजा कर लेना। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, कल के दिन से हमें प्रारंभ क्या करना है? बहुत सिंपल सा उपाय है, आपको लेना है धूप बत्ती। धूप बत्ती, धूप बत्ती समझ गए आप लोग? एक आती है पेस्ट के फॉर्म में, मतलब थोड़ा सा टाइट रहती है, एक आती है सूखी हुई जो बहुत हार्ड होती है, और एक धूप बत्ती, और अगरबत्ती नहीं लेना आपको, धूप बत्ती लेना है।
धूप बत्ती मुझे लगता है सभी को पता चल गया होगा, जिसमें डंडी नहीं होती है, जो उसको हम हाथ से गोल गोल करके ऐसा बनाते हैं, धूप बत्ती, वो लेनी है आपको। लेने के बाद आप एक पैकेट ले लीजिए, एक नहीं कम से कम 3 पैकेट ले लो, 4 पैकेट ले लो, जितनी आपको पैकेट लेने हैं आप ले लो। जब आप कल मंदिर जाएं, जब आप कल मंदिर जाएं, तो वो सारे के सारे पैकेट को खोल लीजिए। खोलने के बाद उन सारे को ना मिक्स कर लो, एक बॉल के जैसा बना लो, बॉल के जैसा, समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ। धूप बत्ती वैसी लेना जो मेल्ट हो, मतलब आपस में मिक्सअप हो जाए, आप थोड़ी सॉफ्ट वाली ले लेना। उसको 3 4 पैकेट ले लो, 6 पैकेट ले लो, आपकी मर्जी है, एक पैकेट से भी काम बन जाएगा, परंतु ये साल भर आपको चलाना है। तो आप कितनी इतनी मत ले लेना, साल भर चलाना तो 20 पैकेट ले लिया, ऐसा नहीं है। 3 4 पैकेट ले लो, उसको आपस में मिक्स करके एक छोटा सा बंडल बना लो, वो एक बॉल के जैसा बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, मंदिर जाएं, भगवान शिव की बड़े ध्यान से पूजा पाठ करें, उनको धूप दीप अगरबत्ती पंच पंचोपात्र से पूजन करें, सब कुछ करें। सब कुछ करने के बाद में जो आप वहां पर धूप बत्ती का गोला लेकर गए हैं, जो धूप बत्ती की बॉल बना ली आपने, वहां पर शिव जी के ऊपर समर्पित करें, सगुन में, सूर्य स्वर में, सूर्य स्वर में, सगुन में। आप बोलेंगे कि सर मेरा तो चंद्र ही चल रहा है, मैं क्या करूं, चंद्र में कर लेना। अगर सूर्य में करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो चंद्र में कर लेना। वहां पर शिव जी को उसको चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद में वहां पे भगवान शिव पे आपने चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद में आप वहां पर थोड़ा सा उसमें से धूप, मतलब थोड़ी सी निकाल लीजिए, उसमें जो आपने बॉल जैसा बनाया उसमें से थोड़ा निकाल लीजिए। निकालने के बाद में उसको बराबर आराम से बत्ती के रूप में जैसा बनाए, गोल सा, इतना बड़ा, जितना बड़ा आपकी मर्जी उतना बड़ा बनाए, और वहां पर शिवलिंग के पास में सगुन में अपनी प्रार्थना करें। अब जिस व्यक्ति को कर्ज, जिस व्यक्ति का कर्ज है, तो वो क्या बोलेगा कि भगवान शिव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपकी कृपा से मेरे जीवन में दसों दिशाओं से सुख शांति और समृद्धि आ रही है। भगवान शिव, आपकी कृपा से मेरे जीवन में दसों दिशाओं से धन की प्राप्ति हो रही है। अगर किसी को धन चाहिए तो 21 बार आपको सगुन में बोलना है। बोलना कैसे, फिर से बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं। आपने जो गोला बनाया था बॉल, उससे थोड़ी सी धूप बत्ती निकाल लिए, आपने बत्ती बना ली। बनाने के बाद उसको आप अपने हाथ में पकड़िए, राइट हैंड पे जो स्वर चल रहा है उस पे पकड़िए, लंबी गहरी सांस लीजिए। लंबी गहरी सांस लेने के बाद सांस को होल्ड करिए, आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना को बोलिए कि भगवान शिव, मेरे घर में दसों दिशाओं से सुख शांति और समृद्धि आ रही है। आपको कम से कम 21 बार कहना है। अब 21 बार आप एक बार में नहीं बोल पाओगे, तो 21 बार आप कैसे बोलोगे, आपने 2 बार बोला, फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल दो, फिर लंबी गहरी सांस लो, फिर आप 2 3 बार बोलिए, फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल दो, फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद सगुन में उस धूप बत्ती को वहीं पे जलाना है, उस धूप बत्ती को वहीं पे आपने शिव जी के मंदिर में आपको जलाना है, सगुन में जलाना है, जो आपकी मनोकामना है। किसी को रिश्ते अच्छे कर रहे हैं तो भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि हे भगवान शिव, आपकी कृपा मुझ पर हो रही है, मेरे संबंध अच्छे हो रहे हैं। जो आपकी मनोकामना है उस धूप बत्ती में आप अपनी मनोकामना को बोलें और वहां पर उसको प्रज्वलित कर दे सगुण में। लंबी गहरी सांस खींचना, जो स्वर चल रहा है उसी स्वर में जलाना। अगर चंद्र चल रहा है तो लेफ्ट हैंड से जलाएंगे, अगर राइट नोस्ट्रल चल रही है तो राइट हैंड से जलाएंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल चल रही है तो लेफ्ट हैंड से आपको जलाना है। ठीक, ये आपने वहां पे भगवान शिव के पास में आपने अपनी अर्जी लगा दी। ठीक है, भगवान शिव के आपने वहां पे क्या लगा दी, अर्जी लगा दी। अब अर्जी तो लगा दी है, पर डेली डेली याद भी तो दिलाना है उनको। ठीक है,
भाई एक बार किसी को बोल दिए कि भाई मेरा ये काम कर देना, हो सकता है वो इतने व्यस्त हैं वो ना कर पाए, एक बार में ना हो पाए। जैसे अभी किसी ने कहा कि सर मैंने 3 4 बार कोशिश करा बोलने की, मैं बोल नहीं पाया, और फाइनली अभी मैं बोल पाया, तो वैसे ही होता है। अब आप ही व्यस्त हैं बहुत ज्यादा, तो आप एक बार में तो बात नहीं बनेगी, तो अब क्या करेंगे? वो जो आपने धूप बत्ती का बाउल जो बॉल बनाया था उसको आप अपने घर पे ले आए, ठीक है? घर में लाने के बाद रोज उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालें, रोज उसमें से थोड़ा सा निकालें और अपने घर के साउथ वेस्ट पे जलाएं, वही मनोकामना बोल कर। कहाँ पे जलाना है आपको उस धूप बत्ती को? अपने घर के साउथ वेस्ट में। कई लोग बोलेंगे कि सर मेरे घर में साउथ वेस्ट में बेडरूम है, जला लो, मुझे खुशबू आएगी अच्छी वाली। कई लोग बोलेंगे कि सर मेरे घर में मेन डोर है, जला लो, अच्छी बात है। कई बोलेंगे सर क्या होता है मेरे घर में टॉयलेट आ गया, कोई बात नहीं, टॉयलेट के बाहर जलाओ, अगल बगल में जलाओ, स्टोर रूम आ गया, मेन डोर आ गया, मेरा साउथ वेस्ट कटा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अरे कुछ भी हो, साउथ वेस्ट तो है ना, साउथ वेस्ट तो है, साउथ वेस्ट के अगल बगल में आप जलाओ, छोटा छोटा लेना और रोज जलाना साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे, और वही चीजें बोलना है आपको। या फिर साउथ वेस्ट में नहीं जला सकते हैं तो वेस्ट, सेकेंड ऑप्शन है वेस्ट में। पहला आपने साउथ वेस्ट में जलाना है और दूसरा आपने वेस्ट में जलाना है। बहुत बड़ा मत लेना, इतना बड़ा ले ली कि वो आधे घंटे तक जल रहा है। अब इतना बड़ा भी लोगे ना, इतना इतना बड़ा भी लोगे, एक उंगली के बराबर भी लोगे, तो कम से कम 2 घंटे जलने वाला है सगुण में, देख लेना, चेक कर लेना। जो दिए का बैकअप आपको 12 12 घंटे मिल रहा है ना, वो इतनी सी धूप बत्ती आपको 4 घंटे जल के दिखा देगी, 3 घंटे जल के दिखाएगी। तो थोड़ा सा लें और उसको रोज आप जलाना प्रारंभ करें, और हो सके तो उसपे थोड़ा और अगर अपडेट करना है, थोड़ा और उसको अच्छा बनाना है, रिजल्ट जल्दी चाहिए, तो एक कटोरी ले लीजिए, कटोरी में थोड़ा सा पीली सरसों डाल दीजिए और धूप बत्ती को वहां पे लगा दीजिए। एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए, कटोरी में धूप बत्ती डाल दीजिए और उसको प्रज्वलित करें। आप फिर बोलेंगे कि सर पीली सरसों क्या करें, कटोरी लीजिए उसमें पीली सरसों डाली, वहां पे धूप बत्ती, अब पीली सरसों का क्या करें? तो उस पीली सरसों को कहीं भी वृक्ष में डाल दीजिए। रोज भी ऐसा कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर रोज आप कर रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी पीली सरसों 4 दाने डाल दो, वो बहुत बड़ा नहीं, बहुत सारा नहीं डालना है, 4 दाने पीली सरसों के डालिए, कटोरी में रखकर दीप उस धूप बत्ती को प्रज्वलित कर दे। आप 1 महीने तक करेंगे वो खत्म हो जाएगा, तो भाई गोला जो बनेगा वो तो खत्म हो जाएगा ना, तो आपको करना क्या है, फिर मार्केट से खरीद के ले आना, फिर आप मार्केट से 3 पैकेट बत्ती खरीद के लेना, उसी में मिक्स कर देना, वो फिर आपका एक बड़ा सा बाउल बन गया। फिर आप मार्केट से खरीद के ले आना, मतलब फिर वो थोड़ा सा बचेगा, हाफ जब बचे तो उसको फिर से पूर्ण कर लें, तो उसको आप ना मार्केट से खरीद के ले आके अपडेट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली उस पे चार्ज हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि एक बाल्टी में आप आधा, मतलब चार, क्या बोलते हैं, चार ढक्कन गंगा जल का डाल दो, तो वो बाल्टी का पानी क्या हो जाता है, गंगा जल में बदल जाता है। तो वही चीज है, आपने 3 धूप बत्ती के पैकेट लिए, उसको बना लिया, शिवरात्रि के दिन आपने उसको चार्ज कर लिया, उसके बाद जब वो आधा बच जाए तो फिर उसमें आप 3 4 पैकेट मिक्स करके उसको बना लीजिए। ऐसा आप रोज अपने घर के साउथ वेस्ट में करें, यकीन मान के चलना हर दिन आपके घर में शिवरात्रि होगी। कुछ लोगों को हो सकता है तकलीफ हो स्टार्टिंग में, मैं बता देता हूं, आपके घर में अगर कोई ब्लैक मैजिक होगा तो तकलीफ होगी, पेट बिगड़ेगा, बुखार आएगा, घर में अननेसेसरी झगड़े होंगे, उपाय करने के बाद में, उपाय नहीं, ये जो हम जलाते हैं धूप बत्ती, इसमें होता क्या है, एनर्जी जो होती है वो ट्रैवल करती है, तो वो डिस्टर्ब करती है। उपाय जब आप करोगे तो अननेसेसरी आपको लगेगा कि मेरा सर भारी हो रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरे घर में झगड़े बढ़ गए, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि साउथ वेस्ट में जब आप इसे धूप को प्रज्वलित करते हैं तो यहाँ पर गंधर्व देवता बैठे होते हैं साउथ वेस्ट में। अब एग्जैक्ट मैं वास्तु की क्लास नहीं ले रहा हूं, तो बट गंधर्व देवता बैठे होते हैं, तो वहां पर गंधर्व मतलब उनको खुशबू चाहिए,
तो जब गंधर्व देवता वहां बैठे होते हैं तो आपके घर में साउथ वेस्ट अगर दूषित है, साउथ वेस्ट की जोन अगर खराब है, तो राहु का प्रभाव बहुत होता है। और आज के समय में 80% लोग राहु से पीड़ित हैं। कैसे? हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति के हाथ में रिमोट है, हर व्यक्ति के हाथ में ईयरबड है। तो जो वायरलेस चीजें होती है वो राहु होती है। तो आप साउथ वेस्ट में जलाते हैं निरंतर, आप उसको ना, एक इस शिवरात्रि को आपने प्रारंभ किया, उस शिवरात्रि तक करना, आप देखोगे कि आपके घर का वातावरण, आपके घर की सारी चीजें, आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाएगी, सबकी सब खत्म हो जाएगी। परंतु जो धूप आप जलाओगे, धूप बत्ती, उसमें आपको अफर्मेशन भगवान शिव से, जो प्रार्थना आपने मंदिर में करी है वही प्रार्थना आप रोज जलाने से पहले करेंगे। अब बात आती है कि सर कब जलाना है, जब आपको फ्री समय मिले। सुबह जला सकते हैं, दोपहर में जला सकते हैं, रात में भी जला सकते हैं। रात में जलाओगे तो पता चला आपका बेडरूम है तो धुआं धुआं हो जाएगा। छोटा सा ही लेना, बहुत बड़ा नहीं, इतना बड़ा भी ले लिए ना, 5 मिनट भी जल लिया तो काम कर जाएगा। बड़ा धूप बत्ती मत लेना क्योंकि रूम में जलाओगे तो पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। छोटा सा ले लो, 5 से 10 मिनट भी जल गया तो बहुत है। आपको जलाए, रोज जलाए, कभी छूट गया, बाहर चले गए, या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत आ गई, हम 10-12 दिन के लिए बाहर चले गए, या फिर बहुत सारी आती है समस्याएं, हम आउटिंग पे चले गए, किसी की तबीयत खराब हो गई, या फिर हम कुछ भी है, छूट जाएगा तो छूटने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जितना हो सके आप उतना जलाए। आप देखोगे कि इस शिवरात्रि से आपने चालू किया, विद इन अ 3 मंथ, 3 मंथ टू 4 मंथ में आपके जीवन में जो परिवर्तन आना चालू होगा, आप हैरान रह जाओगे कि भगवान ये उपाय मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। आज कई लोग मेरे साथ जब जुड़ते हैं और जब उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें ये चीज पहले क्यों नहीं पता चली, अगर ये चीज मुझे 5 साल पहले पता चल गई होती तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता। तो मैं उनको यही कहता हूँ, आज पता चल गई ना, 5 साल के बाद कहाँ से कहाँ हो गए, भूल जाओ, पास्ट में क्या हुआ था भूल जाओ, प्रेजेंट का सोचो। तो ये चीजें आपको करनी है ना, बहुत सरल उपाय। और कितने का खर्चा है? मुश्किल से मुश्किल 100 रुपए का खर्चा होगा, उससे ज्यादा खर्चा नहीं होना, ठीक है? ये आप करना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर आज हम अभी मेडिटेशन भी करेंगे, कल जो हमने किया था कुछ लोगों का नहीं हो पाया था, आज हम मेडिटेशन भी करेंगे, ठीक है? अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक एक लाइन में पूछो, किसी का कोई डाउट है तो एक एक लाइन में पूछ लो, बाकी फिर ताकि एक दो तीन लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो बाकी लोगों के डाउट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्ते। गुरु जी ये जो बत्ती जलानी है, धूप बत्ती, वो इवनिंग भी जलानी है या किसी भी टाइम जला सकते हैं? कभी भी जला सकते हैं, कभी भी, सुबह दोपहर कभी भी, जब आपको फ्री समय मिले तब चला सकते हैं, ठीक है? गुरुदेव, ये हाँ गुरु सर, बोलिए गुरुदेव बोलिए बोलिए। ये धूप बत्ती जब घर पे लगाएंगे तब भी 21 बार अफर्मेशन देने के गुरुदेव? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो जो मनोकामना, अब यहाँ पे ये समझ लो कि जो मनोकामना आपने मंदिर में बोली है, जब तक पूरी ना हो जाए तब तक मांगना, ढीठ बन जाना भगवान के सामने, मुझे देना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि आज 4 दिन बोले भगवान मेरे रिश्ते सुधार दो, 5वें दिन बोल रहे हो मेरी तबीयत ठीक कर दो, फिर 10 दिन के बाद बोल रहे हो कि मेरे को पैसा दे दो ना। जब तक, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से समझना, यह स्टोरी बहुत अच्छी है, समझने लायक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाओ, फिर हैंड रेस करना, ठीक है? अभी कोई नहीं बोलेगा, एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। देखिए भगवान क्या होता है ना, जब हम कोई चीज मांगते हैं, जब हम कोई चीज मांगते हैं तो परमात्मा हमें एक बार में कभी कभी दे देते हैं और एक बार में कभी कभी नहीं देते। एक मिनट, कहीं से आवाज आ रही है। हाँ देखिए होता क्या है, एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, जब वो किसी चीज के लिए जिद करता है, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लो कि एक छोटा बच्चा है, अपने पापा से वो जिद कर रहा है कि मुझे 5,000 रुपए की गाड़ी लेके दो, 5,000 रुपए की खिलौना लेके दो। 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, छोटा सा, वो अपने पापा से जिद करता है कि पापा मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए।
तो क्या पापा एक बार में दे देते हैं? नहीं देते हैं। क्या करते हैं? ठीक है रुक जा बेटा, तेरे को मिलेगी, सबर कर सबर कर। अब वो बच्चा है, उसे तो नहीं पता, परंतु होता क्या है कि वो जिद करता है डेली, जब भी पापा घर में आए जिद करे, पापा आज गाड़ी लेके नहीं आए, वो पापा बोले हाँ यार सही बात है कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन घर आए, फिर बोले पापा गाड़ी लेके नहीं आए। तो एक दिन पापा क्या करेंगे, एक दिन पापा क्या करेंगे कि चल ठीक है भाई तेरे को मैं, यहाँ से आवाज आ रही है भाई, एक मिनट म्यूट ही कर देता हूँ सबको। ठीक है तो एक दिन पापा क्या करेंगे, अब 5,000 रुपए की गाड़ी क्या पापा उसको लेके दे देंगे? बच्चे को 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, क्या 5,000 की गाड़ी लेके दे देंगे? मिडिल क्लास वाला तो नहीं लेके देगा, अपर वाले की तो छोड़ दो, अभी हम मिडिल की ही बात कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे यार, डेली डेली मेरा दिमाग खाता ही है, चलो आज इसको 250 रुपए की गाड़ी लेके दे देते हैं। अब बच्चे को थोड़ी ना पता है कि वो 250 की है कि 5, उसको तो गाड़ी से मतलब है। अब इतनी बड़ी गाड़ी आपने, काफी बड़ी साइज की गाड़ी आपने लेकर आके दे दिए, और वो 500 रुपए की है। बच्चा 4 दिन तो खेलेगा मजे से, देखना बच्चे बड़े बहुत चतुर होते हैं, वो ना 4-5 दिन खेलेंगे फिर टूट जाएगा, फिर जिद करेंगे मेरे को यही गाड़ी चाहिए। फिर पापा क्या करेंगे, फिर वो घुमाएंगे उसको 1 महीने 2 महीने तक, वो भटक जाएगा, फिर वो जिद में आएगा मेरे को यही चाहिए, फिर क्या करेंगे, फिर उसको दूसरी गाड़ी ला के देंगे, फिर बोले फिर वो खेलेगा। अब एक दिन एकदम ही जिद में आ गया, मेरे को यही चाहिए मतलब यही चाहिए, तब क्या करते हैं, फिर क्या होता है, पापा परेशान हो जाते हैं, तो फिर पापा को ऐसे सर में हाथ रखना पड़ता है, कहना करता है ठीक है भाई 1 महीने की ये चीज हम नहीं खरीदेंगे, बच्चे की जिद है पूरी कर देते, परंतु जल्दी पूरी नहीं होती। आप लोग सभी माँ माता और पिता होंगे, क्या अपने बच्चे की जिद एक बार में पूरी कर देते हैं? अगर कर देते तो बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई करता होगा, कोई नहीं करता। बच्चा जब तक 50 बार नहीं बोलेगा, कोई बड़ी चीज की बात कर रहा हूँ, अब वो बोलेगा मुझे चॉकलेट चाहिए, तो हम कहेंगे ले 10-20 रुपए ले जा खा, बट बड़ी चीज की कोई डिमांड करता है तो हम उसको आगे की तरफ तड़का देते हैं कि रुक अभी समय आएगा तो देंगे। सेम चीज है जब भगवान से आप कुछ मांगते हो ना, तो भगवान भी आपको झुंझुना पकड़ाते हैं, कैसा वाला, आपने भगवान से कहा कि परमात्मा मैं महीने का 5 लाख कमाऊं, तो वो क्या करते हैं मालूम है, वो 1 लाख कमवा देते हैं, फिर बोलते हैं इतने में ये शांत हो गया तो ठीक है। अब आप भी ढीठ बच्चे हो, भगवान कोई बात नहीं आपने 1 लाख दिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने तो 5 लाख मांगा था, 5 लाख चाहिए, फिर वो क्या कह रहे 2.5 लाख पकड़ा देंगे। तो उसमें अब बच्चा झुंझुना पकड़ लिया तो 2-3 महीने के लिए शांत हो जाता है ना, तो लिए 2.5 लाख दिए कोई बात नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपने 2.5 लाख दिए, परंतु मेरी उम्मीद 5 लाख की थी। तो परमात्मा बोले ठीक है भाई कोई बात नहीं, चल तेरे को फिर से तेरे को 4 लाख देता हूँ। चुपचाप लिए, परमात्मा बहुत बहुत शुक्रिया आपने 4 लाख दी, बट उम्मीद मेरी 5 लाख की थी। तो भगवान भी बोलते बड़ा ढीठ भक्त है यार, इसको पहले 1 लाख दिया नहीं माना, 3 लाख दिया नहीं माना, 4 लाख दिया नहीं माना, अब 5 लाख मांग रहा है तो चलो दे देता हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात, जो मैं कहाँ से कहाँ रिलेट कर पा रहा हूँ? जिस प्रकार एक बच्चा चीज मिलता है खेलता है तोड़ के फेंक देता है, फिर उसको चीज मिलती है खेलता है तोड़ के फेंक देता है, एक दिन वो जिद में आ जाता है मेरे को चाहिए मतलब चाहिए, अब मैं नहीं जानता, बहुत दिन तक मेरे को बेवकूफ बना दिया, तो पापा को झक मार कर ला के देना पड़ता है। उसी प्रकार जब आप भगवान से जो चीज मांगते हैं, तो वही चीज आप बार बार मांगे कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मेरी विश यही है, मेरे को यही चाहिए, भगवान क्या करते हैं बीच में उलझा देते कि नहीं इसके बदले में तेरे को ये दे देता हूँ, इसके बदले में तेरे को ये देता हूँ, चुपचाप मिले एक्सेप्ट करो बहुत बहुत शुक्रिया आपने दिया, परंतु मांगा तो मैंने ये था। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो विश है वो एक ही मांगेंगे, वो पूरी हो जाए फिर आप दूसरी मांगो, फिर तीसरी मांगो, फिर चौथी मांगो, परंतु एक में टिक जाना। आज आपने मांगा भगवान 5 लाख रुपए दे दो, 1 महीने तक मांगे, फिर मूड चेंज हो गया, नहीं नहीं यार 1 लाख रुपए गम नहीं है, अब भगवान मेरे रिश्ते अच्छे कर दो, अब वो बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, फिर दूसरे महीने उन्होंने कहा कि भगवान एक काम कर दो मेरे को घर दिला दो, तो वो बोलेंगे कि तुझे चाहिए क्या पहले ये कंफर्म बता, घड़ी घड़ी तो अपनी विश चेंज कर रहा है, अब विश चेंज कर रहा है इसका मतलब ये, इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, ये मैंने मनी मैग्नेट की क्लास में समझाया था, एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझ लो, आप होटल में जाते हो, पहले आपने वेटर को ऑर्डर दिया भाई इधर एक काम करो मेरे लिए पनीर चिल्ली ले आओ, फिर
फिर उसके बाद आपने बोला कि मेरे स्टार्टर आपने ऑर्डर किया, फिर उसके बाद में वो आपने ऑर्डर दिया, उसके 2 मिनट बाद फिर बुला रहा है काम करिया डोसा ले आ। बोले ठीक है सर। फिर वो गया, फिर बोले काम करिया तू पनीर चिल्ली भी ले आ, डोसा भी ले आ, तू फिर चाउमीन भी ले आ, ये भी ले आ, तू मंचूरियन भी ले आ। वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर वो जाएगा, फिर आप 5 मिनट के बाद बोले काम करिया ये ले आ। तो वेटर क्या बोलेगा, क्या खाना है आप क्लियर बताओ, पहले पनीर चिल्ली मंगा रहे हो, फिर आप मंचूरियन मंगा रहे हो, फिर आप ये मंगा रहे हो कि पेट है कि तबेला, कितना खाओगे। मतलब वेटर तो ऐसा नहीं बोलेगा, परंतु उसके मन में तो ये भाव आएगा ना, ये घड़ी घड़ी अपना ऑर्डर बदल रहे हैं। तो वैसे ही घड़ी घड़ी आप अपना विश बदलोगे तो भगवान भी बोलेगा ये पागल आदमी है, तो मांगने नहीं आ रहा। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कॉन्शियस लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपने एक चीज मांगी कि भैया पनीर चिल्ली चाहिए, तो आप 15 मिनट वेट करो, बन के सामने आ जाएगी, फिर आप उसको दूसरी डिश बोलो कि मुझे ये चाहिए, फिर वो आ जाएगी, फिर आप तीसरी बोलो। अब आप बोलोगे कि हर 10-10 मिनट में आप 5-5 मिनट में अपनी डिश बदलोगे, तो देने वाला भी कंफ्यूज, खाने वाला भी कंफ्यूज, और बनाने वाला भी कंफ्यूज कि इसको चाहिए क्या प्रॉपर। तो विश एक ही बार मांगे पूरी हो जाए, फिर दूसरी मांगे दूसरी हो जाए, फिर तीसरी मांगे। गलती हम यही करते हैं, हम गलती यही करते हैं। 4 दिन हम कुछ मांगते हैं, 4 दिन कुछ मांगते हैं, 4 दिन कुछ मांगते हैं, और फिर बाद में लोग कहते हैं हमें तो मिला नहीं, उसको कैसे मिल गया, इसीलिए नहीं मिला। आपने अपनी मनोकामना जो है आप खुद ही कंफ्यूज हो कि आपको चाहिए क्या। एक क्लियरिटी रखो ऑटोमेटिकली मिलेगा। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? तो विश के बारे में सभी को, अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और कोई बोलना चाहेगा?